प्यारे बच्चों, एस के नंदा साहब हमारे गुजरात स्टेट के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। हम इनके घर जब गए तो लगा कि अब सुबह सुबह पहुंच गए थे। उस समय इतनी इनकी सिंपलिसिटी हमें देखा आज से 4-5 वर्ष पहले जब ये होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो बड़ा लगा कि भाई इतने अच्छे होने के बाद अच्छे इंसान भी दुनिया और देश में हैं। टेक लिए, आप इनके लिए ज़ोरदार ताली बजाइए। और मैं ऑनरेबल जनरल रणधीर कुमार मेहता साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आएंगे और साल और पगड़ी पहना करके हमारे नंदा साहब का सम्मान करेंगे। साल और पगड़ी लेके आएंगे सर, प्लीज। हमारे एक अच्छे साथी दिलीप भाई संघाणी जी आए हैं और आपसे मैं जनरल साहब बिल्कुल ही नहीं है आप, मैं दिलीप भाई संघाणी जी का साल और पगड़ी पहना करके सम्मान करूँ। पगड़ी साल लेके आ जल्दी। इनके साथ भावना आई है, हमारे शिविर की पहली स्टूडेंट है, वो भावना भी आएगी, उसको भी पगड़ी साल पहनाएंगे इधर। और भावना इधर आ दौड़ के, इधर मेरे पास आ। ये देखो बच्चों, ये हमारी पहली स्टूडेंट है हमारे शिविर की 2002 की, और ये एमएलए बनने वाली है। अभी एमएलए बनेगी, मिनिस्टर, और फिर गुजरात की चीफ मिनिस्टर भी बनेगी। तो इसके लिए एक इसको मैंने पहनाओ पगड़ी, इसको जनरल साहब इसको पगड़ी पहनाइए, इसको ले आओ भाई पगड़ी साल ले आओ दौड़ के। तुम ढीले क्यों हो? सर इसको पहना, ये भावना को। हमारे बड़ा सौभाग्य है, एक बहुत बड़े अच्छे समाज सेवी, देश में बहुत से लोग काम करते हैं, सबके करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन वास्तव में जो ह्यूमैनिटी के लिए एक मिशन लेकर के काम करते हैं, ऐसे हमारे बीच में प्रीतपाल पन्नू जी हरियाणा करनाल से पधारे हैं। मैं ऑनरेबल नंदा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ऐसे समाज सेवी का आप अपने हाथ से सम्मान करेंगे। प्रीतपाल पन्नू जी से रिक्वेस्ट करेंगे, वो आप यहाँ आएंगे। साल लेके आना बेटा। और जितने भी छत्तीसगढ़ के टीचर हैं, जो टीचर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं वो दौड़ करके आ जाए मंच पर, उनका सम्मान होगा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जितने भी टीचर हैं दौड़ करके आ जाएंगे यहाँ पर। और आप टाइम मत लगाना, आप जल्दी आना दौड़ते हुए, मेरे पास वक्त नहीं है। छत्तीसगढ़ के टीचर आएंगे। हाँ सर, साल दे दीजिए, पर पगड़ी तो नहीं पहनेंगे, वो तो उनके पास है वैसे पगड़ी पहले से। आप साल उड़ा दीजिए सर, साल उड़ा दीजिए, साल सर। छत्तीसगढ़ के जितने भी टीचर हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ के, वो आएंगे और नंदा साहब उनका सम्मान करेंगे। जल्दी लेके आ जाओ साल। सर ये टीचर हैं सर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लोग आए, इनका सम्मान कर दीजिए। और बिना समय खोए मैं एडमिरल चौहान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आएंगे अपने विचार हमारे बच्चों के लिए रखेंगे। आदरणीय चौहान साहब प्लीज। वो करते रहेंगे सर, ठीक है। माननीय आचार्य धर्म बंधु जी, आदरणीय जनरल मेहता साहब, आदरणीय जनरल बख्शी साहब, मंच पे मंच को सजाते हुए सभी सभी विशिष्ट अतिथिगण, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए, प्रांतों से आए हुए हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं और बच्चों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान मेरी ओर डालना चाहता हूं। तो एक मेरे साथ जनरल बख्शी से
ज्यादा जोर से एक बार आप कहेंगे जय हिंद, एक बार और जय हिंद। कराची तक आवाज नहीं पहुंची, एक और बार जय हिंद। नमस्कार, सबसे पहले मैं आप सभी को और आपके सभी परिवार के सदस्यों को अपनी ओर से और अपने परिवार के सदस्यों की ओर से एक तो मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूं, क्योंकि आज जैसे आपको बताया गया है आज क्रिसमस है और नव वर्ष भी निकट आ रहा है, सो हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि हम आपको उस दिन शायद ना मिल पाए तो हमारी ओर से ये शुभकामनाएं आपको, हमारी भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संतुष्ट रहें और सफल रहें। तो ये हुए 4S, स्वस्थ, संतुष्ट, सफल और सुरक्षित। अब मैं आपसे कुछ चंद बातें कहना चाहता हूं। ये मेरी तीसरी उपस्थिति है इस शिविर में लगातार, और इसके लिए मैं आप सभी का और इस शिविर के सभी आयोजकों का शुक्रगुजार हूं, आप सभी का आभारी हूं कि आपने मुझे यहां पे आने का मौका दिया है 3 साल में लगातार और कुछ आपसे बातें करने का, राइट। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये एक आध दिन में कितनी कथाएं आपको सुनाई गई, क्योंकि ये राष्ट्र कथा शिविर है। तो अगर राष्ट्र कथा शिविर में केवल संबोधन दिया जाए और कोई कथा नहीं सुनाई जाए तो फिर थोड़ी सी इसमें कमी रह जाती है। मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताना चाहता हूं, और मुझे हर साल ये बताया जाता है कि भाई एडमिरल साहब यहां पे बच्चे हैं और बच्चों के दिमाग में गंभीर बातें नहीं पल्ले पड़ती, और हर साल मैं कहता हूं ये गलत है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं रखता हूं। मेरी सोच, मेरा विचार ये है कि आप यानी कि ये जो आप हमारे सामने, आप जरा हाथ खड़ा करें, आप कि आप सभी की मन की शक्ति उतनी ही ज़्यादा है और आपके सोच की तीव्रता उतनी ही तेज है जितनी किसी भी वयस्क की हो, किसी भी एडल्ट की हो, है कि नहीं है? तो आपको क्या छोटे छोटे वो लोरियां सुनाएं या आपको गंभीर बातें करें? मैंने यही सोचा था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले साल के शिविर में मुझे छत्तीसगढ़ और झारखंड के बच्चों के साथ वार्तालाप करने का मौका दिया गया था। उसमें बहुत सी संख्या में ऐसे बच्चे थे जो कि यतीम हुए थे। यतीम इसलिए थे क्योंकि उनके माँ बाप की हत्या माओवादियों ने की थी, कभी कभी उनके सामने, और कहीं अगर वो उनकी किस्मत अच्छी रही तो वो खुद वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उनमें से एक बच्चा था, एक लड़की थी। लड़कियाँ सुन रही हैं? सो तो नहीं गए? तो एक लड़की थी और उसने पूछा मुझे, उसने कहा, सर आप इतने वरिष्ठ हो और बाल तो वैसे ही आपके सफ़ेद हैं, और इतनी बार आपने भारत के झंडे को लहराया होगा, उसको सलामी दी होगी, उसको सलूट किया होगा। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप मुझे ये बताएं कि भारत का जो ध्वज है ना, भारत का झंडा, उसका रंग क्या है? मैं थोड़ा हैरान रह गया, ये कैसा सवाल है? तो मैंने कहा कि केसरी है, सफ़ेद है, नीला है, हरा है। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा किसके झंडे की बात कर रही हैं आप? उन्होंने कहा भारतवर्ष की।
तो फिर मैंने पूछा फिर क्या रंग है, उन्होंने कहा कि सर आपको ये दिखता नहीं है, आपको ये दिखता नहीं है, लेकिन भारत के ध्वज का रंग लाल है। मैंने कहा लाल है? उन्होंने कहा सर ये जो कपड़ा है ना, जो सूत, ये सूत को पहले रक्त में भिगो के लाल किया जाता है और उसी के बाद जितने बाकी के रंग आते हैं वो उस सूत को पकड़ते हैं। सबसे पहले ध्वज का रंग रक्त का रंग है, खून का रंग। और किसके खून का रंग? हमारे जितने वीर सिपाही रहे हैं, हमारे जितने देशभक्त रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान दे दी है इस देश के लिए, उनका खून। मेरी सर, मेरी खुद के माँ बाप का खून है इसमें। और आप गौर से देखिए, आपको इस झंडे पे सभी रंगों के पीछे रक्त का लाल रंग दिखाई देगा। बच्चों, मेरी उम्र उस समय कुछ 62 साल की थी और एक बच्ची ने मुझे वो चीज़ बताई और वो दृश्य दिखाया जिससे मेरी बिल्कुल आंखें खुल गईं। सो लोग यहाँ पे हमेशा कहते हैं, हमें निमंत्रण देते हुए कि आप आइए और बच्चों को आप प्रोत्साहित करिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हाँ मैं आऊँगा ज़रूर, मगर किसी को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं आऊँगा, मैं बच्चों से प्रोत्साहन लूँगा। और हमेशा जब भी मैं आया हूँ और जितनी देर मैं आपके सामने बैठा हूँ, सो मुझे आपसे प्रोत्साहन मिलता है। I am encouraged by you. So it needs to be said one word. Thank you. Thank you needs to be said to you. Okay. दूसरी आश्चर्य की बात ये है कि मेरे पीछे ये जो पर्दा है ना, इसके ऊपर जो लोगों की तस्वीरें हैं उन्हें आप पहचानते हैं? इधर सुनाई नहीं दे रहा, कोई वॉलंटियर है जो कि मेरे को बताएगा इनके नाम? बता सकते हैं? हाँ बताइए। हाँ, जिस ये छोटे बच्चे ने जिसने चश्मे पहने हुए हैं उठिएगा। हाँ बिल्कुल, आप एक माइक दे देंगे आप जरा तेजी से? याद है ना बच्चे, सभी नाम पता है? वेरी गुड, बताइए। किसी भी तीन व्यक्तियों के नाम बताइए, तीन। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी जानते हैं, ये भी जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं इन सभी के नाम। इनको हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। क्यों? इनके नाम हमारे दिमागों में हमारी माताओं और पिताओं ने डाल रखा है, हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं ने हमें इम्तिहान देते हुए चेक किया है कि नाम सही हैं, आपको पता है। और इनको सम्मान हम देते हैं, आदर हम देते हैं। क्यों? क्योंकि इन महान व्यक्तियों ने, इन महान शक्तियों ने हमें आज़ादी दिलाई। करेक्ट? यस नो? लेकिन हमें कभी सिखाया नहीं जाता, ना किसी अध्यापक ने सिखाया, ना नाना नानी ने, ना दादा दादी ने, ना मित्रों ने, ना सहयोगियों ने, कि हम अपनी आज़ादी खो कैसे बैठे,
जिसकी वजह से इन सबको अपना तन मन धन त्याग करना पड़ा। वो जो आजादी थी वो खोई कैसे, ये हमें सिखाया नहीं जाता। हमें कभी बताया नहीं जाता कि भगत सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना त्याग क्यों करना पड़ा। शुरुआत कहां से हुई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बच्चा ये जानता है कि हम अपनी आजादी को खोए कैसे, मुश्किल से एक हाथ उठेगा। इस बात पे थोड़ी चर्चा करते हैं। ये बात कम ही सिखाई जाती है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। यहां से आपको एक सफर पे ले जाता हूं, छोटा सफर। राष्ट्रगान में विंध्या का नाम है, विंध्या है, विंध्या एक पहाड़ी इलाका है। यहां से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पे विंध्या पहाड़ियों में सबसे ऊंची पर्वत का नाम है रूपगढ़। क्या? रूपगढ़। मैं आपको रूपगढ़ ले चलता हूं। एक एक कॉलरलेस माइक है। सॉरी, मैं आपको रूपगढ़ ले चलता हूं। रूपगढ़ की ऊंचाई तकरीबन 2000 फुट की है, 2000 मीटर की है, ज्यादा नहीं है, 2000 मीटर। और रूपगढ़ पे खड़े होके अगर आप उत्तर नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर देखेंगे तो आपको भारत का मैदानी इलाका दिखाई देगा, स्पष्ट, क्लियरली। आपको गुजरात से लेकर बंगाल तक एक मैदानी इलाका दिखाई देगा। फिर मैं आपसे कहूंगा, अच्छा जरा पीछे मुड़िए। जब आप पीछे मुड़ोगे तो आपके सामने भारत का प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला दिखाई देगा। प्रायद्वीप समझते हैं, पेनिनसुला जैसे त्रिकोण। और उसको देखते हुए मैं आपसे पूछूंगा कि क्या नजारा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे धुंधला है, कोरा है, आपकी आंखों में मोतिया बिंदु की बीमारी होती है ना, कैटरैक्ट लगा हुआ है। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हमारी आज़ादी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं गवाई हमने, हमने अपनी आज़ादी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं गवाई। ये सच है कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ सम्मोहित हैं, वी आर ऑब्सेस्ड, लेकिन ना हमें इतिहास पढ़ाया गया ठीक से, ना हमने इतिहास का सबक सीखा, और ना हमारी पीढ़ी ने आपकी पीढ़ी को सही इतिहास सिखाया। हम अपनी आजादी अंग्रेजों से नहीं खोए, हम अपनी आजादी 100 साल पहले खो चुके पुर्तगालियों से। और पुर्तगाल की सशस्त्र सेनाएं यहां पे आई तकरीबन 1498 में, 1498 में 10 साल के बाद 1509 में गुजरात प्रदेश के दीव बंदरगाह पे एक लड़ाई हुई। आप सब गुजरात के कौन कौन
निवासी हैं यहाँ पे, हाथ खड़ा करें, गुजरात के, गुजरात पे गर्व किस किस को है, गुजरात की का भूगोल कौन कौन जानता है, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। लेकिन मैं आपसे साफ कहता हूं कि गुजरात का इतिहास आप नहीं जानते। गुजरात में, गुजरात के दीव बंदरगाह में हमने हमारी अपनी आजादी खोई, एक जंग लड़ी वहां पे। याद रखिए, अगर भारत को देखा जाए एक सामाजिक, एक धार्मिक तौर से या एक सांस्कृतिक तौर से, तो एक सोशियो कल्चरल एंटिटी के तौर पे देखा जाए तो हमारा देश बहुत प्राचीन है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि भाषाएं सब संस्कृत से निकली हैं और उनमें कोई खास अंतर नहीं है, ये सही है। अगर आप भारत को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तौर से देखें, लेकिन अगर आप भारत को भू राजनैतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे देखेंगे तो हमारा देश बहुत ही बचपना में अभी तक है। केवल दो बार इतिहास में, केवल दो बार पूरा भारत, अखंड भारत भू राजनैतिक तौर पे एक देश हुआ था। एक बार कब? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसारा ने पूरे देश को अपने नियंत्रण में लेके एक बनाया। कौन सा साल था? ये 323 BC। इंडिया बिकेम ए जियोपॉलिटिकल एंटिटी फर्स्ट। और उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत यहां से गई, तब हमारा मॉडर्न भारत, अखंड भारत, इतिहास में दूसरी बार एक भू राजनैतिक तौर पे एक देश बना। सो जब हम कहते हैं कि हमने अपनी आजादी कैसे खोई, आप ये मत समझिए कि हमने अपनी आजादी इस भू राजनैतिक देश की खोई, ऐसा नहीं था। अलग अलग राज्य थे और उस दीव के जंग में, उस दीव की लड़ाई में नौसेना का बहुत बड़ा हाथ था। भारतीय नौसेना तो थी ही नहीं, क्योंकि भू राजनीतिक तौर पे भारत ही नहीं था। समझ आई? मैं खास ये बात लड़कियों से कहना चाहता हूं और अध्यापकों से ये बात अच्छी तरह दोबारा। भारत के अलग अलग राज्यों ने मिलके पुर्तगालियों से जंग लड़ी। भारत के पास 119 जहाज थे, 119 ships। इसमें शामिल थे कोड़ीकोड यानी कि कैलीकट के समुद्री यानी कि जामोरिन के जहाज, इसमें शामिल थे मिश्र यानी कि इजिप्ट के जहाज, वेनिस के जहाज, तुर्क मेनिस्तान और तुर्की के जहाज। 100 कितने? 119। पुर्तगाल के पास कितने जहाज थे? 21। हमारे कितने? 119। पुर्तगाल के कितने?
21 लड़ाई शुरू हुई. हमारे पास भी तोप थे, उनके पास भी तोप थे. हम खूब लड़े और बुरी तरह हारे, बुरी तरह शिकस्त दी हमें 21 जहाजों ने. ये कैसे हुआ भैया? क्या हम साहसी नहीं थे? हम बलवान नहीं थे? वो जो अभी आपने जनरल बख्शी साहब से सुना, सी फॉर करेज, करेज नहीं था? था. हम साहसी थे. फिर क्या हुआ? ये हुआ कि हमारी जो निपुणता थी वो दरियाओं में लड़ने की थी, वो थल सेना के खिलाफ लड़ने की थी. समुद्री सोच हमारे दिमाग में आई ही नहीं और आज भी नहीं आती है. आज भी अगर आप बंदरगाह पे जाके समुद्र के तट पे जाओगे, माँ बोलेगी अंदर भीतर हो जाओ, वहां पे लहरें हैं. अगर हम आपसे वर्ल्ड एसोसिएशन करें और आपसे कहें बीच, आपकी माँ के दिमाग में आएगा भेलपुरी या पानीपुरी. ये नहीं आएगा कि समुंदर है, तैरनो, जाओ जरा बाहर जाओ, थोड़े साहस दिखाओ, इधर तो पानी है, लहरें हैं. सो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हुआ ये कि हमने ना एक, अगर उदाहरण पे तौर पे मैं आप बताऊं तो हमने एक कबड्डी की टीम रेडी की. कबड्डी हैं, खूब प्रशिक्षण दिया, खूब उनको साहस दिया. उनको बोला के जब तुम रेड करोगे तो रणनीति के तौर पे ये करना, फिर वो करना, फिर खूब उनको खुराक दी, मजबूत बनाया और गए. और जब हम वहां पे गए तो पुर्तगालियों ने कहा, हेलो हेलो, हम तो बास्केटबॉल खेलेंगे. हमने कहा हम तो कबड्डी की टीम लेकर आए हैं. तो उन्होंने कहा लेकिन प्रतियोगिता के बास्केटबॉल की है. और हम हारे, हम बुरी तरह हारे. चलो हार गए, एक लड़ाई थी, कौन सी बड़ी बात है. लेकिन उस लड़ाई में हमारा देश, आपको याद होगा हमारे देश को क्या क्या कहते थे? सोने की चिड़िया, है ना? सोने की चिड़िया. सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नंबर वन था और बाकी देशों में ये बात फैल गई हमारे व्यापार के सामग्री को देखकर कि ये वाकई ही सोने की चिड़िया है. उस एक लड़ाई के कारण हम अपने समुद्री नियंत्रण खो बैठे. 1510, एक साल बाद, पुर्तगालियों ने गोवा पे हमला किया. एक दिन में भारत शिकस्त हो गया. और उस दिन से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आजादी हमारे हाथों से फिसलने लगी. आज आपके सामने आप सभी ने गंभीर आवाज में चिल्लाते हुए कहा, झांसी की रानी के बारे में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. करेक्ट? आप समझते हैं और आपको सिखाया गया है कि सबसे पहली औरत जो कि जंगे मैदान के फिरंगियों से लड़ी हमारे देश की आजादी के लिए, वो थी झांसी की रानी. ये सरासर गलत है. मैंगलोर में, मैंगलोर का नाम सुना हुआ है? मैंगलोर के प्राचीन नाम है उलाला. उलाला में एक रानी थी जिसका नाम है रानी अब्बाका. कभी नाम आपने सुना ही नहीं. और जब मैं अपने जैसों से बात करता हूं और कहता हूं, आप लोग तो अध्यापक हो, आप तो इतिहास पढ़ाते हैं, रानी अब्बा का कौन थी,
वो कहते हैं होगी कोई हमें क्या देना देना, लेकिन 37 सालों तक 37 years तक रानी अब्बका ने पुर्तगाली सशस्त्र सेनाओं को लगातार पराजित किया, लगातार 37 सालों तक। उस समय झांसी की रानी पैदा ही नहीं हुई थी, क्योंकि पुर्तगाली हुकूमत में और अंग्रेजी हुकूमत में 100 साल का अंतर है। लेकिन हम भारतवासी हम मैदानी इलाके के इतिहास को जानते हैं। हमें बिल्कुल प्रायद्वीप के इलाके का कुछ अंदाज ही नहीं है, जीरो नॉलेज, जीरो। बहुत यहां में महारथी आए हैं, बहुत लोगों ने चर्चा की है कि हमारे ये महारथी थे, वो महारथी थे, सारे के सारे मैदानी इलाके के। सो कहने का मतलब ये है, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि भारत देश एक अखंड देश है, उसको बांटा नहीं जा सकता, ना किसी दुश्मन के दिमाग में, ना हमारे अपने दिमागों में। और दुश्मन की बात तो दूर है, हमने तो भारत को अपने आप ही बांट दिया है। और इसी भारत को और इसी भारत के इतिहास को हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं। ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, वो प्रेरणा रानी अब्बका से नहीं लेते, वो प्रेरणा झांसी की रानी से लेती हैं, क्योंकि उनको रानी अब्बका के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। सो रानी अब्बका का जो त्याग था, जो उसकी जीत थी, याद रखें कोई छोटी बात नहीं है। 37 सालों तक पुर्तगालियों को नौसेना में और थल सेना के मुताबिक दोनों को हराया, 37 साल। जब वो बूढ़ी हो गई, फिर उसको गिरफ्तार किया गया, उसको एक किले में बंद किया गया। वो किले में भी बगावत करती रही जब तक उसने अपने आखिरी सांस नहीं लिए। और भारतवर्ष है जहां पे मैं खड़ा हूं, गुजरात में। मेरे को आश्चर्य तो ये हो रहा है कि मैं गुजरात में हूं और ये कहानी की शुरुआत गुजरात में हुई। और देश विदेश की बात तो छोड़ो, जितने बच्चों ने हाथ ऊपर किया और कहा कि हमें गुजरात पे गर्व है, आपको गुजरात के इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इस कारण जबकि अंग्रेजी हुकूमत आई, हम अपनी आज़ादी पहले ही खो चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव अपने आप वहां पे नहीं मौजूद हुए प्लासी की लड़ाई के लिए, उसके पीछे 100 सालों का घाटा था, हानि थी। हमें किसी ने सिखाई नहीं ये बात। और इस कारण मैं कहता हूं कि हमारी जो नजर है ना, दृष्टि है, वो उस पे वो मोतियाबिंदी की बीमारी लगी हुई है। और ये जरूरी है कि कोई ना कोई यहां पे आए, बेशक उसका गला बैठा हुआ हो या नहीं, कोई ना कोई आए जो कि आपको बोले कि ऐसा नहीं है। भारत, अगर आप चाहते हैं कि भारत एक अखंड देश रहे, तो आपको पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके और प्रायद्वीप इलाकों के बारे में एक गांठ बांधना होगा, सभी को एकत्रित करके अपना इतिहास जानना होगा। ये रही मेरी दूसरी कथा। मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं आपसे एक आध बात कहना चाहता हूं। भारतीय नौसेना में मैंने तकरीबन 40 साल वर्दी पहन के गुजारे और खुशकिस्मती से
मैं जब रिटायर हुआ पवेलियन वापस लौटा तो मैं 3 सितारों से सज्जित वर्दी में था। उस दौरान मैंने INS विराट यानी कि भारत का उस समय का सबसे प्रथम और एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर का कमान संभाला। एयरक्राफ्ट कैरियर में तकरीबन 15,000 लोग होते हैं, 1500 लोग होते हैं, 1500 पीपल। हमारे पास 32 जहाज थे, लड़ाकू विमान फाइटर्स। तो अगर मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मुझे लगना चाहिए कि ये सबसे बेहतरीन कमान था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बेहतरीन कमान मेरा अपना तब था जबकि मैं केरल में जाके, एक और प्रदेश जिसके बारे में आप लोग कम ही जानते हैं, केरल में जाके इंडियन नेवल एकेडमी, जिसके बारे में आपको कल कुछ फिल्में दिखाई थी, कुछ झलकियां, वहां पे जाके मैंने अपना कमान अधिकारी के तौर पे अपना पद संभाला। तकरीबन 2 साल मैंने कमान किया। मेरा अनुभव क्या था उन 2 सालों में, ये कि हमारे जो फीमेल कैडेट्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो हमारे मेल कैडेट्स यानी कि लड़कों से तकरीबन 2 या 3 गुना बेहतर हैं। मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूं, आप सुनिए, तालियां बाद में बजाइए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका दिमाग लड़कों से तेज था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें साहस ज्यादा थी, वो तो है ही। हम लोग, हम पुरुष लोग ना, अपने आप को बहुत तानते हैं, मानते हैं, हैं? हम हैं, तुम में तुम कहां है। मैंने खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह रहा हूं, मैंने खुद एक, यहां पे एक नेवल ऑफिसर है, आइए आइए सामने आइए, आप मेरे लिए कोई ताली मत बजाइए, बट ये है हमारी एक उदाहरण पे के तौर पे स्टैंडर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर, औरत है, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। मगर मेरी कहानी नहीं खत्म हुई, कहानी ये, हमारे यहां पे एक सबसे कठिन प्रतियोगिता है क्रॉस कंट्री रनिंग, उसमें औरतों को 6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, और ये 6 किलोमीटर का आखिरी किलोमीटर जो है वो समुद्र के तट पे रेत पे दौड़ना पड़ता है, यानी कि आप 5 किलोमीटर वैसे ही दौड़ चुके हो, आपके पूरे प्रशिक्षण के लिए हमने केवल 6 महीने दिए, और उन 6 महीनों में आपको इस काबिल बनाया है कि आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। सो फार सो गुड, इसमें कोई बड़ी बात अभी तक नहीं है, मगर मैंने देखा है एज कमांडेंट ऑफ द INA, एक फीमेल कैडेट, दो मेल कैडेट्स को यूं पकड़ते हुए, अपने कॉलर से पकड़ते हुए घसीटते हुए रेत पे बोले जा रही है, दौड़ साले दौड़, तू तो मर्द है। वाओ, थैंक यू। और वो हमारा मेल कैडेट, वो कहे जा रहा है मेरे से नहीं होगा, और मेरे से नहीं होगा, और इसने 2 लपड़ मारे, उससे और भी हुआ और उसके बाद भी और हो गया। सो ये कहना गलत है कि हम कोई कृपा कर रहे हैं इन औरतों के पे कि हम इनको अपने सशस्त्र सेनाओं में शामिल कर रहे हैं, ये गलत है। हम कोई कृपा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी देश की ताकतों को देखते हुए एकत्रित कर रहे हैं कि कौन सी ताकत ऐसी है जो हम में अभी कमी दिखाई दे रही है, और जिसके मौजूदगी से, जिसके उपस्थिति से हमारी ये कमियां दूर हो जाएं, और ये ताकत औरतों की ताकत है।
भारतीय नौसेना में अगर औरतें हैं तो ये भारतीय नौसेना की कोई फेवर नहीं कर रहा, ये भारतीय नौसेना का कौशल बढ़ाती हैं, निपुणता बढ़ाती हैं। कभी आपने एयरक्राफ्ट कैरियर में जाके बैठ के अंधेरी रात में तूफानी वातावरण में एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए सहायता देने की अगर आपने कभी ये अनुभव देखा है तो आपको पता होगा कि पायलट, फाइटर पायलट सी हैरियर चलाता हुआ या मिग 29K चलाता हुआ, उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, जहाज एक पोस्टेज स्टैम्प की तरह लगता है, इतना सा दिखता भी नहीं है, केवल दो छोटी छोटी बत्तियां दिखती हैं। वो पूरा अपना पूरा फेथ, श्रद्धा एक आवाज पे रखता है और वो आवाज जब उसको सुनती है, सुनाई देती है, तो जो भी वो कहता है या कहती है वो उसका पालन करता है। और ऐसा कोई भी कमांडिंग ऑफिसर INS विराट का, हमारे देश के एयरक्राफ्ट कैरियर का, या विक्रमादित्य का, या किसी और देश का, अभी जनरल बख्शी साहब ने बहुत चर्चा की थी जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में या अमेरिका के, सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर औरत होती है, क्योंकि वो उसका जो वो जो कॉन्फिडेंस देती है पायलट को वो आदमी दे ही नहीं पाता। एक तो आदमी की आवाज़ भारी है, मेरी भी, मेरा भी गला थोड़ा बेहतर हो गया इसी के बारे में सोचते हुए, लेकिन आवाज़ भारी है, वो कहेगा फ्रॉम वॉटर पायलट स्टबन, और उसको वो कह रहा है क्या क्या कह गई, क्या कह गया। औरत कहती है ब्रिंग योर एयरक्राफ्ट 2 degrees टू स्टारबर्ड, यू आर ऑन द लाइट लाइन। वो कहता बच गए यार। और वो औरत हर हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में औरत कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर अपने पुरुष ऑफिसरों के साथ चलती है, कम से कम जितना मेरा अनुभव है। आमतौर में वो पुरुष के तकरीबन 4 या 5 कदम आगे है। और जब आप सोचेंगे कि ये जब प्रिजनर ऑफ वॉर होगी हैं, तो फिर उसका बलात्कार होगा, फिर हम क्या करेंगे, आप क्या समझते हैं भाइयों कि जिस्म केवल औरतों का ही बिगाड़ा जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर बनके, बलात्कार मर्दों का भी होता है। सो ये सोच के प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के बाद क्या बर्ताव किया जाएगा उस औरत के जिस्म पे, उतना ही प्रभावशाली है जितना हमारी सोच के अगर पुरुष प्रिजनर ऑफ वॉर बना तो उसके साथ क्या बर्ताव होगा, उतना ही। मियाँ, जब आपके प्राइवेट पार्ट्स पे दुश्मन इलेक्ट्रिकल वायर्स डालता है और तो जिस्म में उतना ही घाव पहुंचता है। सो प्रिजनर ऑफ वॉर वाली बात गलत है। अब रही बात कि क्या ये औरत जात आजकल ही नियंत्रण में कैसे रहेगी, और इसका जवाब सही है, मेरे पास मेरा जवाब तो यही है कि मियाँ वो नियंत्रण में नहीं रहेगी, वो नियंत्रण में नहीं रहेगी, क्योंकि हमने नियंत्रण के नाम पे इनके हाथों पे, इनके पैरों पे बेड़ियां बांध रखी हैं, और अब इनको हमने बेड़ियों की चाबी दे दी है कि बेड़ियां खोलिए और मुक्त होके जाइए। और जब हम किसी को भी, किसी पक्षी को अगर हम पंख देते हैं, जब भगवान किसी पक्षी को पंख देता है तो वो पंख को लेके वो पक्षी उड़ता है, इसीलिए उसको पंख दिए जाते हैं। और जब हम औरत जात को पंख देंगे हमारे देश में, तो वो औरत जात उड़ेगी, हमारे देश को साथ लेके जाएगी, गगन को छुएगी। वो है हमारी ताकत, ये नहीं। और बस मैं और आपके साथ आपका वक्त ना व्यर्थ करते हुए आपको एक बार और धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों के बारे में आप सोचिए, भारत को अखंड भारत बनाना है,
तो आपको समुद्र की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र से ही हमारी तकदीरें बदलेंगी, या बेहतरीन की ओर या बुराइयों की ओर। जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 40% है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का, दैट मीन्स आवर एक्सटर्नल ट्रेड इज 40% ऑफ आवर जीडीपी। जब आप छोटे थे 11% था, आज 40% है। तो जब हमारे जहाज नहीं चलेंगे सुरक्षित, आपकी तुअर की दाल के दाम बढ़ेंगे, ये आप बात ख्याल में रखिएगा। ये बातें गंभीर बातें हैं, मुझे पता है कि हर साल की तरह मुझे सलाह दी जाती है और हर साल की तरह मैंने उस सलाह को ठुकराया है, और इस आज़ादी के लिए मैं सभी का, आयोजकों का आभारी हूँ और आपसे विदा लेता हूँ, और अगले साल शायद अगर भगवान चाहें और आचार्य जी चाहें तो मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद। एडमिरल साहब का विशेष आभार, विशेष आभार इसलिए कि एक तो बहुत सुंदर ढंग से तीन कथाओं द्वारा आपको एक संदेश दिया, दूसरा आभार विशेष कि आपकी वजह से भारतीय नौसेना आज इस शिविर में शामिल होती है, तो इसके लिए ज़रूर इनका जोशो खरोश से ताली बजा के अभिनंदन करें। बच्चों, आज शाम का कार्यक्रम 8 बजे शुरू होगा। अनुयायियों ने कल कमाल का शो आपके सामने पेश किया था, CISF के बारे में कुछ आपको बताएंगे। मेरा अनुरोध है कि आप आएं और CISF के बारे में आपको बताएं। धन्यवाद। आदरणीय स्वामी धर्मबंधु जी, उपस्थित अतिथिगण और प्यारे दोस्तों, कुछ समय के लिए मैं CISF के बारे में, आप स्क्रीन में आ रहे हैं, CISF के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मुझे ये पता नहीं आप लोगों को कितना पता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये सारे भारत के जितने इंडस्ट्री है, प्रधान प्रधान इंडस्ट्री उसमें तैनात है। एक आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन है, 1969 में सिर्फ 3000 मेंबर्स थे, 3169, अभी हम लोग 1,40,000 से ज़्यादा हैं। सारे एयरपोर्ट, सी पोर्ट, मेट्रो रेलवे, स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, कोल माइंस, आयरन माइंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, नेशनल मॉन्यूमेंट, ताजमहल, लाल किला, न्यूक्लियर और स्पेस इंस्टॉलेशन में CISF मौजूद है। ये देखिए 330 लोकेशन में है ऑल ओवर इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महिला सदस्य की संख्या सारे फोर्सेस के बीच में सबसे ज़्यादा है, ऑफिसर और दोनों सदस्यों को मिला के। और हमारे पास एक फायर विंग है जो फायर फाइटिंग करते हैं, अग्निशमन विभाग जो इंडिपेंडेंट विंग है, जहां फायर इंजीनियर्स डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो बच्चों जिनको इंटरेस्ट है इसमें, फायर विंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज्वाइनिंग जो पैटर्न है पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसा है, एक कांस्टेबल लेवल में है, एक सब इंस्पेक्टर में है और एक असिस्टेंट कमांडेंट लेवल में है। ये देखिए भारत के मैप में सारे प्रांत में जितने इंडस्ट्रीज हैं CISF मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक। ये एक मैप में, पाई चार्ट में दिखाया गया है कहाँ कितना इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, एयरपोर्ट में कितने हैं, शिपिंग में कितना है, स्टील सेक्टर में कितना है, पेट्रोलियम, ऑयल रिफाइनरी में कितना है, स्पेस,
एटॉमिक एनर्जी और पावर सेक्टर में। पूरा इंडिया में इनका प्रेजेंस है जैसे मैंने बताया, और जो मिनी भारत की यहाँ बात हो रहा है, सारे फोर्सेस में मिनी भारत है, सारे प्रांत से लोग आते हैं। कल आप लोगों ने देखा था, हमारा महिला सदस्यों ने दिखाया था आपको कुछ मार्शल आर्ट, एक तो दिखाया था शायद उन लोगों ने, दो कला दिखाए हैं, एक फिलीपींस से आया हुआ है पेकिटी ट्रिसिया काली, पीटीके बोलते हैं, और आज एक दिखाएंगे अगर प्रोग्राम में है तो यह है क्राफ मगा जो इसराइल के हैं, जो एक मिक्स है एक्चुअली, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, विश्व युद्ध के समय वो एक स्लोवाकिया के कंट्री में ये बनाया गया था कुछ स्पोर्ट्समैन के द्वारा, स्ट्रीट फाइटिंग कैसे किया जाता है और उस चीज़ को लेके ये क्राफ मगा बना है और अभी CISF के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत है। हमारे ये तीन चीज़ है आप देख सकते हैं, पोर्ट में है एक्सेस कंट्रोल, फायर प्रोटेक्शन में है, और जो जितना एम्प्लॉयज़ है सबको हम प्रोटेक्शन देते हैं। ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में कैसे सिक्योरिटी दे रहे हैं। एक्चुअली आप लोग जब भी एयरपोर्ट जाएंगे जो सिक्योरिटी फोर्स दिखाई देंगे एक्सेस कंट्रोल से लेके पेरीमीटर वॉल तक सारे CISF है। ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितने भारत में है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, सब में CISF तैनात है। डेली पैसेंजर जो हम हैंडल करते हैं ये करीब साल में है 10.7 करोड़, और उसका जो संख्या मेट्रो में आएंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे, जो मेट्रो रेलवे में CISF डेली हिसाब से डेली हैंडल कर रहे हैं। 15 मेजर पोर्ट CISF सिक्योरिटी दे रहे हैं। सी पोर्ट में आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जो स्पेशल प्रोटेक्शन हमारा ग्रुप है SSG जिनके जवान आपके सामने प्रस्तुत किया था आज, ये VIP सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है 67, एक्चुअली 73 स्पेशल प्रोटेक्शन जो पहले NSG करते थे, अभी भी करते हैं, ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, ये काम अभी CISF भी कर रहे हैं। ट्रेन कमांडोज हैं, सिक्योरिटी हब है, जहाँ भी खबर आती है वहाँ से सिक्योरिटी हब से कमांडोज पहुँच जाते हैं स्पेशलाइज ग्रुप के। और सबसे बड़ी जो अब चैलेंज है, जब आप नई दिल्ली आएंगे कभी, दिल्ली मेट्रो रेलवेज, इसका देखिए डेली पैसेंजर करीब 28 लाख है, और ये 28 लाख पैसेंजर्स को ये बहुत सिंपल टास्क नहीं है, और थ्रेट प्रस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थ्रेट है मेट्रो पर, और 2007 से ये काम CISF कर रहे हैं। 100% फ्रिस्किंग करते हैं, एंटी सबोटा चेक करते हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, फूड पेट्रोल कर रहे हैं, QRT और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, और सारा चीज़ काफ़ी चीज़ आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि प्रोफाइलिंग से होता है, ह्यूमन प्रोफाइलिंग और टेक्निकल प्रोफाइलिंग से होता है। कोई पैसेंजर को एयरपोर्ट में या मेट्रो में देख के, CCTV कैमरा में देख के हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स ये ध्यान में रखते हैं ये आदमी सस्पिशियस है या नहीं, उनका मूवमेंट से हमें ये पता लग जाता है कि ये आदमी के ऊपर नज़र रखना सही रहेगा, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये तो रहा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में, प्राइवेट सेक्टर में भी जो इंफोसिस है, रिलायंस है, टाटाज में CISF, अभी QRT पैटर्न में क्विक रिएक्शन टीम, इस पैटर्न में CISF सिक्योरिटी दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था ताजमहल के बारे में, जब भी जाएंगे आप लोग देखेंगे CISF प्रेजेंस है। लाल किला में सेम, हैदराबाद म्यूजियम में भी आपको CISF नजर आएंगे। आयरन ओर माइन छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां माओइस के साथ हमारे एनकाउंटर भी होते हैं, वहां भी CISF प्रेजेंस है। ये एक्चुअली CISF के सबसे पुरानी इंस्टॉलेशन सब में है। स्टील प्लांट, इसके अलावा UN में डिप्लॉयमेंट में हाइटी में है, जब 2008 से CISF ये हमारा ये 8th कंटिजेंट है जो CIS हाइटी में है। इसके बाद एम्बेसीज में है, नेपाल एम्बेसीज में है, काठमांडू में, बीरगंज में है कंसुलेट जनरल में, और हाई कमीशन ऑफ इंडिया के इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी CISF तैनात है। फायर प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं
बहुत इंसिडेंट ऐसा हुए हैं जहां सीआईएसएफ नॉट ओनली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के तरफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी हेल्प किया हुआ है। स्पेशलाइज्ड फायर विंग है, करीब 4000 फायर कॉल ईयरली आता है और प्रॉपर्टी सेफ का तो आप फिगर देख सकते हैं 220 क्रोर्स एनुअल बेसिस। थैंक यू। बच्चों मैं एक मिनट, इसके साथ मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी बहुत चीज़ सुने हैं, मिनी इंडिया के बारे में बताए थे, कुछ चीज़ हम जनरल बख्शी सर से सुने थे। बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने एक एग्जांपल दिया था महाभारत के भगदत्त के ऊपर। आप लोगों ने कल सुना था, मुझे पता नहीं कितने लोगों को याद है, पत्ती बांध के एक बूढ़ा आदमी कुरुक्षेत्र समर में गए थे, वो कामरूप के थे। ये जो हिस्ट्री है कामरूप से लेकर कन्याकुमारी तक, ये काफ़ी हिस्ट्री लोगों को पता नहीं है। इसीलिए एक कुछ कुछ एरिया इंडिया में जो जहां इंसर्जेंसी हुए हैं, कारण ये होता है कि लोगों को ये वहाँ के लोगों को ये फील होता है कि हमारे हिस्ट्री बाकी लोग नहीं जानते हैं। अगर जो बख्शी सर के ये हिस्ट्री पहले से हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक में लिखा होता, हो सकता है ये चीज़ नहीं होता। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि अखंड भारत की बात हुई है और सिंह सर ने सुबह बताया था कि ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से ही था। मैं इसकी थोड़ा सा आगे जाकर ये बताना चाहता हूँ कि कितना सच है ये बात। मैं काउंटर टेररिज्म में इन्वॉल्व था एक डेपुटेशन में करीब 15 साल, तो नॉर्थ ईस्ट के असम प्रदेश के में जो लड़के अल्फा में ज्वाइन किए थे, उन लोगों को बांग्लादेश से अफगानिस्तान ले गया था ट्रेनिंग के समय ISI ने। जब ट्रेनिंग दिया गया था तो उन लोग को भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट, उनके खिलाफ काफ़ी क्लासेस लिया जाता था ब्रेन वॉशिंग के लिए। तो जो लड़के थे बाद में जो वापस आए थे, जब पकड़े गए थे या सरेंडर किए थे, उन लोगों ने हमें बताया था जब हम लोग के बातचीत हो रहे थे कि सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि सब चीज़ ये गलत है, हिंदू संस्कृति आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ साउथ एशियन कंट्री से आए हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, बात ध्यान से सुनिएगा, कि असम में एक संत थे शंकरदेव, वो 15 सेंचुरी के थे, जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे, नामदेव थे, उस समय की बात है। जो उन्होंने किताब लिखी थी कीर्तन, वो है ब्रज बोली भाषा में। उस भाषा को बोलते ब्रज बोली, वो असमीज में नहीं था, ब्रज की भाषा, इसलिए ब्रज बोली, ब्रज बोली भाषा वहाँ बोलते थे। वो भाषा आपको, आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये मथुरा का है या वृंदावन का है या कहीं बंगाल का है, वो असमीज नहीं है। तो असम के घर में जो कीर्तन पढ़ते थे गाँव में, वो ब्रजबोली भाषा में पढ़ते थे। तो ये लोग जब कृष्ण का वर्णन ब्रजबोली भाषा में अपनी ग्रैंड मदर या मदर से सुनते थे, वो लड़का जब पाकिस्तान या अफगानिस्तान में उनका जब ब्रेन वॉशिंग होता था, वो तब उनको थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि बात नहीं है, ये गलत बात है, ये हमारा जीन में है, ये कोई दूसरा संस्कृति हो ही नहीं सकता, ये 100 साल पहले से हमारे पास है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी टास्क आप लोगों को देना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो, जितने बच्चे हैं दूसरे राज्यों के बच्चे आए हुए हैं, प्लीज़ उनसे फ्रेंडशिप कीजिए। एटलीस्ट हर एक राज्य के एक फ्रेंड आपको होना चाहिए, जहाँ से जितने भी अलग अलग राज्य से लोग आए हैं। ये बहुत ही सिंपल टास्क है, इससे आप लोग के बीच में जो देश को जोड़ने का काम है यहाँ से शुरू हो जाता है। कथा शिविर जो है, आप उनके साथ करेस्पॉन्डेंस कीजिए और अच्छा फ्रेंड बनाइए जो दूसरे राज्य से लोग आए हैं। एक ये चीज़ मैं बताना चाहता था, बहुत टाइम भी मेरे पास कम है, ये निर्णय भी करना है आपको कि आप जिंदगी में क्या करेंगे। आपने CISF देखा, नेवी देखा, आप निर्णय जरूर कीजिए जो अच्छा लगता है, डॉक्टर, इंजीनियर, फोर्सेस, जब भी करेंगे ये सोच के करेंगे हाँ ये मुझे सीरियसली करना है। जो आपका क्लास 10-12 के बच्चे हैं, ये प्रोफेशन की तरफ से आप जब लेना चाहते सीरियसली कीजिए। आज CISF के बारे में आपको पता चला, आप NDRF में बड़े पता लगाइए, अलग अलग फोर्स पता लगाइए, लेकिन जब आप डिसाइड करेंगे, आप कभी ये मत सोचिए कि आपका पास अगर कुछ और पैशन है, कोई और इंटरेस्ट है, वो नहीं कर पाएंगे। काफ़ी एग्जाम्पल्स है, जब आप
एक अच्छा ऑफिसर बनते हैं, अच्छा लिखक भी बन सकते हैं। अब अगर आप म्यूजिशियन हैं, काफ़ी गर्ल्स कोई डांस अच्छा करते हैं, ये म्यूजिशियन है, भारत में बहुत एग्जाम्पल है जो अच्छा ब्यूरोक्रेट भी है और एक म्यूजिशियन भी है। तो ये कभी मत सोचिए कि आपका अगर पैशन है उसको आप छोड़ के आप कुछ और काम करने जा रहे हैं, आप दोनों चीज़ को इकट्ठे कर सकते हैं, देश प्रेम और आपका अंदर का जो इच्छा है। कुछ पॉइंट में लिख के लाया था, एक है नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। आपका रास्ता, जीवन संग्राम जो रास्ता है, आपका फेलियर जरूर आएंगे, कभी ना कभी आपका चीज़ जो आप सोच रहे थे वो नहीं होगा, लेकिन आपको ये मत सोचिए कि मेरे से ये नहीं होगा, ये कभी मत सोचिए। एक छोटा सा स्टोरी याद आता है अब्दुल APJ कलाम सर के। कलाम सर, क्या यू नो व्हाट ही वांटेड टू बिकम? वो चाहते थे पायलट बनना। वो देहरादून गए थे पायलट बनने के लिए, और पायलट के एग्ज़ाम में थोड़ा सा मार्क्स के लिए वो पीछे हो गए थे, तो वो बहुत हताश हुए। वो चले गए देहरादून से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, और ऋषिकेश में गए कहाँ? स्वामी शिवानंद आश्रम। और स्वामी शिवानंद जी को जाके बोला कि दिस इज़, ये मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत चाहता था कि मैं पायलट बनूँ। तो शिवानंद जी ने एक चीज़ बताए थे उनको कि इट्स वेरी सिंपल, आपके लिए कुछ और काम बाकी है, भगवान आपको कुछ और काम करना चाहता है, तो आप उसके ध्यान दीजिए। ये तो आपका स्टोरी यहाँ ख़त्म है, लेकिन और काम आपके बाकी है। और आपको पता है कि अब्दुल कलाम ने क्या क्या करे उसके बाद करके दिखाया। इसीलिए कभी विफलता से निराश मत होइए, बी स्ट्रांग। जैसे सारे स्पीकर ने बताया, स्ट्रांग फिजिकली, मेंटली एंड ऑल्सो इमोशनली। आपको जब भी प्रॉब्लम होता है किसके पास जाते हैं? जो मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है और फिजिकली स्ट्रांग है। आप भी ऐसा बनिए, तब आपको कोई सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जब जिंदगी का रास्ते पे समुद्र में जैसे प्रॉब्लम होता है, आप उसके ऊपर जाएंगे, आप नीचे प्रेशर में कभी मत ये सिचुएशन ही नहीं आने देंगे, क्योंकि आप स्ट्रांग हैं। जैसे एक एग्जांपल है, टेक्सास से अमेरिका में एक जगह जहाँ पोटैटोज़ का खेती होता है, आलू। तो किसान लोग क्या करते थे, अच्छे अच्छे बड़े जो अच्छे ताज़े आलू थे उसको ऊपर रखते थे पैकिंग के लिए, और छोटे छोटे जो आलू है वो नीचे रखते थे कि वो बेचने के लिए अगर कोई खोल के देखे उनके, मतलब वो अच्छे तरह से वो सेल हो जाएगा। एक किसान थे, वो जैसे आलू आता था ऐसे पैकिंग करके भेज देते थे। तो एक लड़का ने पूछा, अंकल आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो सेल करने में अच्छा होता है। उसने बोला, बेटा जो मार्केट के लिए रास्ता है हमारे फील्ड से वो बम्पी है, उसे रास्ता ठीक नहीं है, ऐसे ही आलू एडजस्ट हो जाएंगे, जो अच्छे आलू ऊपर रहेंगे, जो छोटे छोटे खराब है वो नीचे चले जाएंगे। ज़िंदगी भी ऐसा है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि इफ़ यू आर स्ट्रांग नथिंग कैन हैपन। एंड फाइनली, एक डोंट एवर लूज होप। आप कभी ये मत सोचिए कि मेरा क्या होगा, ऐसा सिचुएशन कभी आता है ज़िंदगी में, आप लोग बहुत छोटे हैं, क्योंकि एक इसमें भी एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आता है, जापान के एग्जाम्पल दे रहे थे, सामुराई के स्टोरी थे। आप लोग जानते हैं सामुराई जो प्रोफेशनल सोल्जर होते थे, एक सामुराई थे, सामुराई के ये जब एज हो गए, उनके साथ उनका जो नाती था, उन नाती ने पूछा, दादा आप इतने सक्सेसफुल सामुराई बने, आप मुझे क्यों नहीं बताते कि आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने बताए थे, ठीक है, आई विल गिव यू ए गिफ्ट, मैं आपको गिफ्ट दूंगा एक बॉक्स में, वो बॉक्स कभी मत खोलना, उसमें होगा सीक्रेट। लेकिन इसीलिए मत खोलना कि तब खोलना जब आपका सब आपके उपाय जिंदगी सब खत्म हो चुका है, कोई उपाय नहीं है, तब खोलना, उसके पहले कभी मत खोलना। दादाजी चल गए, ये लड़का बड़े हुए, वही बहुत बड़ा समुराई हुए, कुछ सालों के बाद वो भूल गए बक्सा के बारे में। जब भी प्रॉब्लम आया उसने टैकल किया, तब एक बार उनको याद आया, जब उनका भी एज हो गया तो उन्होंने सोचा, मेरा दादाजी ने मुझे एक बॉक्स दिया था, वो बॉक्स में क्या है? वो खोल के देखा, उसमें एक छोटी सी नोट लिखा हुआ था, इफ़ यू लूज होप यू विल बी फिनिश्ड, टू डोंट एवर लूज होप। तो यही कारण था कि उन्होंने चाहता था कि दादाजी ने कि आप कभी ये बॉक्स मत खोलिए। तो मैं सारे प्यारे साथियों को ये भी आह्वान करता हूँ कि आप यहाँ जो सीखे हैं, जो आपने सुने हैं, उसको अपने काम पर लगाइए, सीरियसली सोचिए जिंदगी के बारे में। यस इट इज़ ट्रू, चिल आप लोग एंजॉय कीजिए लाइफ को, लेकिन अभी सीरियस होने का टाइम भी आया है, क्योंकि हम आपके सामने अभी समय आ गया है कि कुछ चुनाव करने के लिए। मैं CISF की तरफ से आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, आज भी शायद कुछ प्रोग्राम होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।
बच्चों, श्री शर्मा साहब और उनके दल का बहुत अभिनंदन और आभार कि वो हमारे साथ हैं और आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। अच्छा बच्चों, एक बार अपने लिए ताली बजाओगे आप? और जोर से, आप अपने लिए ताली बजा रहे हो। आप मेरे से, कई बच्चे पूछते हैं कि हम क्या करें, तो मैं कहता हूं जब सुबह पहले उठते हो, बिस्तर से निकलने से पहले अपने लिए एक बार मुस्कुराया करो। क्या बोला? एक बार अपने लिए मुस्कुराया करो। मैंने ये ताली आपसे क्यों बजवाई? क्योंकि आप और आपके शिक्षक गण इतने सब्र के साथ आज यहाँ बैठे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। और मेरा भी दिल करता है कि आपके लिए हमेशा ताड़ी बजाता रहूं। राष्ट्रगान सावधान, राष्ट्रगान शुरू करें। नमन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे गागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थैंक यू।